ग्राम पंचायत बेहरा मुड़ा जो धर्मजयगढ़ ब्लॉक पे आता है। धर्मजयगढ़ ब्लॉक एक आदिवासी ब्लॉक है और इस ब्लॉक में पेशा कानून लागू होता है। पेशा कानून का उल्लंघन करते हुए बेहरा मुड़ा में बिना ग्राम सभा के यहाँ एक मिनी माता बांगो सिंचाई डैम परियोजना का निर्माण किया गया है जो 2015 में यहाँ का कार्य चालू हुआ और इस काम में लोगों को न तो सूचना दी गई, न तो इन्हें मजदूरी मिला और न ही उनके ज़मीन पर डैम बनने पर उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला। कते के कर्जा में है तुम्हार कुल? कुल मैंने टिकरा हो के 5 एकड़ है। भाई मैंने वहाँ डूबा है 1 एकड़ टेराटेस में। बरसात में? बरसात में पूरा उड़ जाता है। पूरा जितना तुम्हारे 5 एकड़ जमीन है सब डूबते थे? लगभग 21 किसान हैं। 21 किसानों में लगभग 100 से अधिक लोग निवास करते हैं और आज इन 21 परिवार के 100 लोगों को इस डैम से बहुत सारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी किसान मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए जी, तब तो कहीं जाकर कोई भी जमीन खरीद सकेंगे जी। 6 किसान ऐसे हैं जी, उन लोगों का बस वहीं में जमीन था और इधर उधर नहीं है। तो ये लोग अभी कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं? बहुत कठिनाई पड़ रहा है उन लोग को। तो मुआवजा वाजा फसल के मुआवजा कुछ भाई पता नहीं है? नहीं दिन है। और जमीन के? जमीन के पता नहीं है पैसा। हाँ, कतक के भाव में देवो कहीं? 8 लाख के। तो भूमि अधिग्रहण हो से कि तुम्हें बेचे हा? नहीं बेचे हैं हम। भूमि अधिग्रहण हो से? हाँ। तो पैसा कानून क्षेत्र जो है वो में तो 4 गुना मिले के रहते, तो कैसे तुम्हारा सिर्फ 8 लाख के हिसाब से दूँ कहा थे? तो इलाहाबाद पता नहीं है ना सर। इसमें भूमि खरीदी गई या भू अर्जन हुआ? ये तो भू अर्जन हुआ है जी। तो कौन कौन अधिकारी करा शिकायत करे है करे? हम तो कलेक्टर कर्म कर रहे रेगढ़ के। हाँ, फिर यहाँ घूम जा रहे हैं धर्मजयगढ़ भी। हम्म, बोल कर जा रहे हैं। काका की हैं उन्होंने? उन्होंने तो दुआ वो की हैं। हाँ। इसे नहीं दी है की। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती अलरमेल मंगाई डी जो वर्तमान कलेक्टर हैं उन्हें 94-25-53-23-80 पर फोन कर दबाव बनाए ताकि किसानों को उनके हक का पैसा मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।